सीकर नगर परिषद सभापति द्वारा एक कारोबारी के तैयार शुदा पट्टे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर उसके दस्तावेज की पुनः जांच के आदेश देने का कथित मामला और इससे जुड़ी खबर रविवार को दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, जिसमें सभापति पर कथित तौर से पट्टे को रोकने का मामला दर्शाया गया है। इस मामले को लेकर सभापति जीवन खां ने भी अपना बयान जारी किया है। इससे पहले आपको बताते हैं उस पूरी खबर के बारे में जो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। खबर में लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र कुमार जैन पुत्र नानक चंद जैन नामक व्यापारी का रानी सती रोड पर बायोस्कोप सिनेमॉल के पास करीब 1400 वर्ग गज का नोहरा है, जिसका उन्होंने व्यावसायिक पट्टा बनाने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया है। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने पट्टा प्राप्ति की विधिवत कार्रवाई पूर्ण करने संबंधित प्रक्रिया पूरी कर दी है, साथ ही देय राशि भी जरिए चालान जमा करा दी, जिसके बाद आयुक्त सहित उनके अधीनस्थ अधिकृत प्रभारी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और संबंधित लिपिक आदि ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब यह पट्टा हस्ताक्षरों के लिए सभापति के पास पहुंचा तो उन्होंने पत्रावली पर नोट लगाते हुए उक्त पट्टे की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि नगर परिषद के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब किसी पट्टे बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसकी पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जाता है कि मामला अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर के अटकाया गया है। सूत्रों की माने तो नगर परिषद में भाजपा राज से ही सक्रिय एक दलाल ने पट्टा रोकने के बाद जब सभापति से इस बाबत संपर्क साधा तो उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। बाद में खबर छनकर आई कि मामले का निपटारा 6 अंकों की अतिरिक्त शुल्क अदायगी से हो सकता है। वहीं आवेदनकर्ता नरेंद्र जैन ने बताया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है, पट्टे की फाइल नगर परिषद में चल रही है, न ही उनसे नगर परिषद में सभापति जीवन खां ने या किसी अधिकारी ने पैसे की मांग की। ये सब बातें सोशल मीडिया पर गलत रूप से फैलाई गई है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ नरेंद्र जी, बताएं आज क्या बात हुई, क्या जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब गलत है। मैंने तो सब पट्टा जो बना रहा हूँ उसके पैसे से सब जमा करा दिए, मुझे आगे की कोई बात मालूम ही नहीं है, न कभी मेरे जीवन खान से बात हुई है सभापति जी, न कोई मेरे से पैसे मांगे है, न आयुष से कभी बात हुई है। मैंने जो नियमानुसार फाइल जमा करा दी है मेरी, उसी हिसाब से काम चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। मतलब आपसे कोई डिमांड नहीं हुई किसी ने? मुझसे कोई डिमांड नहीं किसी ने, ना तो आयुष साहब ने की है ना सभापति जी ने की है। तो इस तरह की इतनी बड़ी खबर, मतलब आज मुझे तो मालूम, मैं तो खुद मैसेज देख के मालूम किया जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, मेरी कोई बात नहीं। वहीं इस पूरे मामले के बाद सभापति जीवन खां ने शेखावटी अब तक से बातचीत में बताया कि उनके द्वारा कोई पत्रावली अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जाती, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, निर्धारित समय में पत्रावली का निष्पादन कर दिया जाता है। यदि किसी पत्रावली में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है तो उसे पुनः जाँच के लिए अधिकारियों को लिखा जाता है। उनका किसी भी आवेदक से कोई संपर्क नहीं होता। जिस व्यक्ति ने भी किसी पत्रावली को लेकर उनके विरुद्ध जो टिप्पणी की है वह द्वेष भावना से उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से की है, जिसकी जांच की जाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।